is one of the finest experiences that I've had. Aisa khana maine bhi nahi khaya. हम जैसा बंगाली खाना तो कोई देता ही नहीं है क्योंकि हम लोग दिल से बनाते हैं। I was just having a conversation with ma'am and I was telling her how happy I am. मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने रिश्तेदार के घर आके खाना खा रहा हूँ। Yo, what's up people? I hope everyone's doing great. My name is Shaurav and swagat hai aapka mere channel mein fir se ek bari. Jo background mein aap apartment dekh rahe ho mera ghar nahi hai, ye main kisi ke ghar aaya hu. Main story batata hu basically kya hai. Ek cloud kitchen hai jisko kaha jata hai Uri Bonk. Ab yahan ka scene pata hai kya hai? Okay, I was searching on Google for good Bengali food and I came across them. Inki rating thi 4.4 Google pe. I called up the owner Ms. Suparna ji. I spoke to her. I took the permission ki kya main aata hu. मैं शो में कोई कमर्शियल जगह पे नहीं काम करी, इट्स माय रेजिडेंस। मैं कुछ ऑर्डर्स दिन के लेती हूँ एंड आई मेक श्योर दैट पीपल हैव अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा खाना खिलाओ जो खाया ना। मैं अगर स्पेशलिटीज़ बताओ, कह रहे हमारे ना बंगाल में कुछ ना चीज़ें बड़ी फेमस हैं जो मैं आपको खिलाना चाहती हूँ। मैं बताओ, कह रही एक तो खिलानी है भेंट की फ्राई, वो तल तुल के क्रम्स के साथ भेंट की फ्राई देते हैं। इसके साथ साथ कहते खिलानी आपको फिश कॉन्फ्रे। अब फिश का सीन ऐसा है, फर्स्टली इट इज़ वेरी फेमस इन बंगाल एंड सेकंडली द वेदर इज सच दैट यू वांट टू हैव फिश। मैंने मना भी नहीं किया। अच्छा, मैंने लिखा हुआ, आई एम सॉरी, तीसरा चिकन प्याजी। अब चिकन प्याजी समथिंग विच इज एन अननोन टर्म फॉर मी। मैंने सुना नहीं, उन्होंने पकौड़ा होता है चिकन का जिसे प्याज का मिक्स करके प्रॉपर तरीके से देते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड नई चीज़ खाने के लिए। तो मैं कहा ठीक है। अच्छा, मेन कोर्स में बताऊँ, मेन कोर्स में खिलाने आपको दाब चिंगड़ी। ना, चिंगड़ी इज झींगा और दाब इज हरी चटनी, ग्रीन कोकोनट चटनी शायद। तो दाब चिंगड़ी खिलानी है लिसी लिसी सी, और इसके साथ साथ खिलानी है आपको डाक बंगलो चिकन, चिकन डाक बंगलो। अब ये डिश मेरे लिए बिल्कुल एलियन है, मतलब मुझे जीरो आइडिया है, बट फिर से एक्साइटेड हूँ, क्या होगा देखते हैं। आखिरी चीज़ क्या थी? मटन कोशा। मटन कोशा तो आई हैड इट मेनी मेनी टाइम्स एंड आई लव्ड इट। और ये लोग भी सर्व करेंगे लुच्ची के साथ। हैं, करना क्या है कि किचन में जाना है, इनके रेजिडेंस वाली किचन में वहाँ जाके बनते हुए देखना है, उसके बाद कैसे स्प्रेड लगा रहे हैं फाइनली का करना है, एक अच्छा सा अच्छा सा रिव्यू। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, पानी आएगा। चलें गाइस, ये आपको दिख रहा है प्रॉपर रेजिडेंशियल इनका अपार्टमेंट है। मैंने इनकी परमिशन से आया था, ऐसे नहीं आया। एंड मिस सुपर्णा जी जो इस जगह को चला रहे हैं। हेलो मैम, कैसे हैं? बढ़िया। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी डू इट। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू सर्व यू। चलो, हाउ स्वीट। अच्छा, मी एंड यू स्पोक पहले, आपने मुझे अपनी स्पेशलिटीज बताई थी, एक बार फिर से मुझको जल्दी से बता दो। व्हिच वन? द वन दैट आई एम गोइंग टू सर्व यू टुडे। भेंट की फ्राई, डन। एंड पॉम्फ्रेट फ्राई, ठीक है। एंड चिकन प्याजी। हाँ, आई वुड वॉन्ट कि आप खा के उसके बाद मेरे साथ बात करो या। चलो, एक चीज तो मेन कोर्स में, मेन कोर्स में डाब चिंगड़ी, दैट इज वन थिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स इन गुड़गांव। अच्छा, एक्सेप्टिंग ओ कोलकाता आई गेस। अच्छा, डाब चिंगड़ी इज बेसिकली ग्रीन कोकोनट, नारियल, नारियल के अंदर चिंगड़ी जाता है, प्रॉन जाता है, एंड दैट इज कुक्ड। सो दैट इज देयर, दैट इज वन। एंड चिकन डाक बंगलो, एंड देन चिकन डाक बंगलो, ठीक है। चिकन इट्स अ वेरी थिक ग्रेवी, ठीक है, ग्रेटेड विथ एग। And then mutton kosa goes without saying, any Bengali, any Odia household. And serve with luchi. Served with luchi and a little bit of tomato chutney. Chalo. So I think you will like it. Chalo, done. मैं जा रहा हूँ किचन में अब, ठीक है? Okay. Thank you. कैसे एंटर करते हैं? कैसे शेफ सर? अच्छा। ठीक ठाक है? ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ क्या तैयारी हो रही है? ये डाब चिंगड़ी। अच्छा, ऑलरेडी चालू कर दिए काम? चालू नहीं हुआ। चालू नहीं हुआ? नहीं। अच्छा। चिंगड़ी पहले तावे में थोड़ा सा पकता है, उसके बाद वी पुट इट इन द डाब, डाब इज ग्रीन कोकोनट, एंड देन इट गेट्स द फ्लेवर ऑफ द कोकोनट। ठीक है मैम। सो गाइस लुक एट द पीसेस यार। मैम, ये जंबो प्रॉन यूज हो रहे हैं? हाँ। गाइस इस तरफ है फिश पॉम्फ्रे जो होनी है फ्राई। मैम, ये एक प्लेट पे एक ही पीस देते हैं आप? एक प्लेट में एक पीस है ना। मैं आप अपने स्लिट्स अगर मार रखे हैं तो प्रॉपर्ली, ताकि प्रॉपर्ली कुक हो जाए। यस। एंड मैरिनेशन अंदर तक जाए। यस। चलो, गुड गुड। एंड मैम, ये क्या है यहाँ पे? दिस इज फॉर द चिकन प्याजी। अच्छा, दिस इज चिकन प्याजी। या सो आई सी अ लॉट ऑफ अनियंस एंड देन चिकन। चिकन। एंड ये क्या बीच में? गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको आप अच्छे से वो करोगे? अच्छे से मैरिनेट करना।
ये शेफ साहब जैसे क्या स्पाइसी होगा कैसे होगा? ये मीडियम स्पाइसी है क्योंकि इसमें हल्का लाल रंग दिख रहा है ना मुझे। जैसे हल्का सा बाहर आया हूँ, मेरे लिए आज खाना प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे लग रहा है। फ्रिज किसने ऑफ करा है? बॉटल पैक गाइस, जो को भी प्रॉन दिखाए थे जो हो रहे थे चिंगड़ी, वो इस कोकोनट में जाएंगे। इसमें जाएंगे जी? हाँ, इसमें जा रहे तो सब कुछ। और ये जाके अभी हाफ कुक्ड आप कह रहे हो? हाँ। ये पूरा कुक कभी करोगे आप? पूरा कुक अभी गैस में डाल के करेंगे। अच्छा गाइस, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस यार। मतलब आई हैव नॉट हैड मच ऑफ बंगाली फूड। मैंने ज़्यादा चिकन और मटन कोशा खाया या लुच्ची बहुत खाई है, बट दिस इज लुकिंग वेरी ऑथेंटिक एंड नाइस यार। And to do it from a cloud kitchen at home, next level. ये हो गया डन जी? बहुत बढ़िया। और इसको ऐसे ही सर्व किया जाता है? हाँ, ऐसे। इसको पैक कैसे करते हो? पैक फॉइल। फॉइल कैसे? इसके ऊपर फॉइल लगा के? पूरा सिल्वर फॉइल। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता? स्टेज वार्म एंड। अच्छा, ठीक है, डन। एंड देन यू कैन। अच्छा, इसको करें पॉम्फ्रे को? हाँ। तेल गर्म हो जाए बस? चिकन प्याजी वाला का सिस्टम। सो इस प्याज के अंदर चिकन में समझ नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा समझाओ शेफ साहब। चिकन प्याजी है ना? चिकन अंदर ही है प्याज के? हाँ, प्याज के अंदर ही है, मैरिनेट है। गाइस कितनी सुंदर शक्ल लग रही है यार। इसका नाम क्या होता है? प्लेट सिस्टम होता है भाजी का? किस तरह होता है ये? प्लेट सिस्टम। कितने पीस आते हैं एक प्लेट में? छह। अच्छा, ये जो मेरे सामने दिख रहे हैं वही है? ये एक प्लेट ही है मैम, राइट? हाँ। और गाइस इस तरफ जाएगी फिश। अच्छा जस्ट बिफोर मैं वीडियो में आगे जाऊँ, एक छोटी सी बात थी यार, एक आपसे रिक्वेस्ट थी। सो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे ना एक 5 सेकंड की क्लिप भेजो ईमेल पे, अगर आप भेजना चाहो। मतलब हॉरिजॉन्टली भी आपने रिकॉर्ड करना है और वर्टिकली भी करना है। अगर करो दोनों कर देना, 5-5 सेकंड क्लिप भेजना, मैं उसको शोकेस करूँगा अपने वीडियो में। एंड यू कैन से एनीथिंग अबाउट मी दैट कुड बी गुड और बैड, मतलब अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, जो आप मेरे चैनल के बारे में सोचते हो या मेरे बारे में सोचते हो, उस 5 सेकंड की क्लिप में मुझको बता देना और मैं उसको अपने आने वाले वीडियो में, आने वाले मतलब 4-5 दिन के अंदर उसको मैं कहीं ना कहीं डालूंगा। दिस समथिंग स्पेशल विच इज़ गोइंग टू हैपन। सो इफ़ यू कुड डू दैट, ये ईमेल एड्रेस सारा है आपकी स्क्रीन पे, इस पे भेज दीजिएगा। वो इस फिश पे यहाँ पे लिड लगा दिया। इस तरफ इनके सारे स्पाइसेस वगैरह, मैम ये सारे स्पाइसेस वगैरह आपके हैं? ये बड़ी स्ट्रांग होती है ना मस्टर्ड, यू कॉल इट व्हाट? दिस इज कॉल्ड कासंदी। कासंदी ना? मैम कहाँ से शॉपिंग करते हैं आप? सीआर पार्क से? कहाँ से? है ना, दैट्स द बेस्ट प्लेस। From CR Park, rest or I ship it from Calcutta or Orissa. अच्छा, but I think CR Park में सब authentic and in terms of the prices also, अच्छा। मैम इसके Two pieces. इस पे लगते हैं कैसे ऊपर? अच्छा। अरे ये तो क्रम्स। अरे हम हाउ डू यू से एंजॉय योर मील, अगर बंगाली में बोलना है एंजॉय योर मील, याद नहीं आ रहा। खुशी मोने खाओ मतलब खुश होके खाओ। अच्छा, लाइक दैट। आज मैं खुशी मोने खाओ। 70-80% ऑफ माय कस्टमर्स आर ऑल रिपीट कस्टमर्स। सो नॉट दैट एवरी डे दे ऑर्डर, बट व्हेनेवर दे थिंक ऑफ बंगाली फूड और ओडिया फूड दे कम बैक, देन दे मिस यू एंड दे कॉल यू। घर में खाना भेजो। पर ग्रेवी में आई थिंक यू यूज मस्टर्ड ऑयल, सरसों? नो, दीस आर नॉट रिफाइंड ऑयल। अच्छा, और ग्रेवी में? ग्रेवी में मटन में यस मस्टर्ड, कोशा में तो मस्टर्ड ही चलता है। चाट मसाला जा रहा है, गुड स्टफ, ब्रिलियंट। सो सम अनियंस टू कंपनी द फिश एंड लेमन कट स्लाइसेस। हां, चलो गुड स्टफ, थैंक यू। मोर यू विल नो व्हेन यू ईट
eat. Thank you. Just let my food do the talking than me. Acha? Yeah. Chalo, how sweet, ma'am. I like the confidence. So guys, ये बेटी का काम हो रहा है. So ये marinate करके मैम पहले रखते हो आप fish को. हाँ. उसके बाद crumbs लगा के you'll fry. You'll fry. And मैम भेटकी fish. भेटकी, this is the only fish which is we do the fillet and it's without any bones. अच्छा, so it's absolutely boneless. Yes. या पिछले करो ताकि पूरा square लगे. फिनिशिंग अच्छी आएगी है पूरा कटलेट लगेगा बेटकी का कटलेट लगेगा वी कॉल दैट बेटकी डायमंड फ्राई आल्सो बिकॉज़ इट इज इन द डायमंड शेप अच्छा शी लाइक डायमंड शेप इन लाइफ अदरवाइज या वैसी ऐसी दी जाती है नो जनरली वी लाइक डायमंड्स ये कॉर्नफ्लावर कॉर्नफ्लावर अच्छा अच्छा देन लिटिल कॉर्नफ्लावर अगेन एज अ लेयर ऑफ ये दोनों फिश गए अंदर ठीक है यहाँ पे क्या है चिकन डाक बंगलो ये एक प्लेट पे कितने पीस आते हैं चार पीस आते हैं सो गाइस ये कुछ पोर्शन बना के रखते हैं डेली और जब ऑर्डर आता है उसको हीट करके पैन में अच्छे से दे सेंड इट अक्रॉस चिकन डाक बंगलो का बेस ग्रेवी वी कीप इट रेडी अच्छा एंड देन व्हेन चिकन डाक बंगलो इज मेड वी ऐड सम मोर ग्रेवीज डिफरेंट स्पाइसेस एंड देन अच्छा और इसका क्या है ये है कोशा दिस इज मटन कोशा we had cooked half and little bit now before ah that's very smart ma'am so guys once again ye ho raha hai chicken dak bungalow ye ho raha hai mutton kosha wah aur ye bait ki fry baki item already table pe ja chuke hain boil ye usko aur yahan pe done ho gayi ji ye ready ho gaya theek hai chicken ka pani केचप जा रही है अच्छा ये बड़ा यूनिक काम हो गया हल्की स्वीटनेस के लिए हमने छुपा के रखा है अच्छा ये देखो व्हाट इज इट ये एक डाला आपने हां अच्छा इसमें रॉ एग जाता है इसमें पकाया जाता है रॉ एग ग्रेवी के साथ पकाया जाता है सारा देख लिया एंड वाज लुकिंग एब्सोल्युटली डिलीशियस वो जो प्रॉन थे ना वो चिंगड़ी दाल चिंगड़ी लुकिंग स्मैशिंग यार एक्चुअली सारा खाना अच्छा लग रहा है एंड देन द फ्रेग्रेंस एंड यू नो व्हाई लाइक इट इज ओनली बिकॉज हम नॉर्थ इंडियंस खा खा के थक गए हैं एंड फॉर अ चेंज अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं इफ यू वांट टू सर्व समथिंग डिफरेंट व्हिच इज प्रेजेंटेबल येट यूनिक बट पूरे स्वाद के साथ मतलब ऐसा कुछ करना आई थिंक इट्स अ गुड कॉल यू शुड थिंक अबाउट ये लुची रखी जा रही है फ्रेश गर्मा गर्म थैंक यू मैम मैं रिव्यू करूँगा ठीक है थैंक्स इतना ओके गाइस अ वंडरफुल स्प्रेड हियर वैसे आपको बता दूँ जल्दी से क्या क्या है दिस इज चिकन प्याजी प्याज और चिकन के साथ पूरे तले गए हैं एक प्लेट पे छः पीस आते हैं इसके साथ साथ इन्होंने दिया हमें मटन कोशा पानी आ रहा है ज़्यादा एनी वे फिश पॉम्फ्रे जो पैन पे फ्राई करी गई है इसके साथ साथ दिया मैंने चिकन डाक बंगलो जिसमें एग श्रेड करके डाला था नेवर सीन बिफोर और एग वैसे भी डाला था रॉ ग्रेवी में भेटकी फिश लुच्ची और ये जिसके मैं सबसे एक्साइटेड हूँ दाब चिंगड़ी अभी कुछ अभी गर्म रह देते हैं स्टार्ट करें आई थिंक आई स्टार्ट विद चिकन प्याजी हैं पीस देख लो अच्छे से हैं क्रिस्प है बिल्कुल क्रंच करो पूरा पूरा ऊपर है हल्की सी केचप भी है साथ में वो इसके साथ जाती है थोड़ा केचप में डिप करके 3 2 1 सब्सक्राइब भूल गया था एकदम याद आया लेट्स गो विद प्याज का पूरा होता है ना वो है चिकन के साथ दिस इज सो यूनिक है मैं ऑर्डर अपने घर करने वाला हूँ जब मेरे घर में गेस्ट आएंगे सच अ यूनिक थिंग टू हैव यार मज़ा आ गया चाट मसाला टॉप ऑन टॉप अमेजिंग प्याज करारा और 10 में से 10 नंबर पहला इम्प्रेशन ब्रिलियंट यार मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा हुआ रियली गुड यार
हाँ हाँ आ जाओ ये है जिनकी पॉम्फ्रे 100-150 ग्राम का पीस लग रहा है स्किन वाला ऊपर पैन फ्राई कर रखा है प्याज के साथ सर्व किया है पहले पीस देख लो आगे अच्छे से वाह जी वाह ट्राई करते हैं एक गलती हो गई हल्का सा नींबू स्क्वीज करते हैं नींबू में ना फिश का मज़ा नहीं आता आई लाइक दैट मोर नॉट दैट इट्स नॉट गुड इट्स ब्यूटिफुल द पॉम्फ्रे इट्स फ्लेवरसम बट प्याजी टुक मी अवे अच्छा भीट की फिश ना बंगाली फूड मैंने बहुत जगह देखी मैं सीआर पार्क एक दो ब्लॉग बनाए थे वहाँ भी मैंने भीट की फिश खाई इनफैक्ट जहाँ मैं रहता था उसके पास में सीआर पार्क था तो वहाँ भी ये देख रहे हो जी एक पीस तोड़े इसका क्रंच की आवाज़ आ रही है यह क्रिस्प ऊपर से आई जस्ट कर इट ओपन हाँ ये ऐसे मेरी किस्मत अच्छी कह लो गर्म हैविंग गर्मा गर्म खाना एंड विच इज़ वाई आई एम लविंग इट या ये इतने एक्सपर्ट हैं ये क्वालिटी देना इनका फूटे है देन इट्स वेरी गुड इसका जो ओवर पावरिंग फ्लेवर है ना आंतरिया वांतरिया से खुल जाती है वेरी गुड यार आई एम शॉक्ड ये तो क्वालिटी घर से ना कमर्शियल से बेटर क्वालिटी देना इज इम्पेकेबल जॉब एंड आई एम हैप्पी दे डूइंग इट यार दिल से बना रहे ना जब कोई लगन से काम करता है और अच्छे से काम करता है फोकस के साथ हर चीज़ पॉसिबल है कितने लोग मुझसे पूछते हैं काम कैसे करना है लॉकडाउन में एग्जाम्पल सेट है यार एनीवे मैन इतनी सारी लुच्ची है गर्मा गर्म आ जाओ जी आ जाओ पहले ये खाते हैं जो आप देख रहे हो ऊपर सारा एग है ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा ही है बाकी टेस्ट देखते हैं कैसा है इट्स अ वेरी यूनिक डिश फॉर मी मैंने पहले कभी खाई नहीं है ये देखो जी कैन यू सी द स्मोक कैन यू सी अ प्रॉपरली कुक्ड चिकन हल्का सा चिकन तोड़ते हैं थोड़ा सा मसाला लेते हैं और एग इसमें है ही ये पहली बार खा रहा हूँ आई हैव नो आइडिया हाउ द टेस्ट वुड बी वंडरफुल यार सही बताऊँ सारा जादू ही मसालों में यार एक ग्रेवी में है ना जो मसाला ये जो ग्रेवी है मसालेदार एक लेमन टर्म में बोलूँ अगर आपने मगज खाया ना ब्रेन एग वो वाला काम कर रहा है मलाई की तरह इट्स मेल्टिंग इन योर माउथ विद द मसाला सो इवन इफ इट गेट्स स्पाइसी व्हेन यू पुट एग ना इट बैलेंसेज आउट दिस इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई फॉर वन रीजन कभी पहले ऐसा टेस्ट कुछ किया नहीं होगा एंड सच बताऊँ हम ऐसा ऑर्डर नहीं करते घर पर वी आर हम वो टिक्के टुक्के और आपको बताएं बर्सिंग खाते हैं बट वंस इन अ वाइल खाना चाहिए आपसे क्यों कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे आ जाओ आ जाओ आज मैं बाय द वे ये डिश जो दाल चिंगड़ी है बाद में करूँगा फॉर वन रीज़न की इसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ ये जी मटन कोशा चाप का पीस ये थोड़ा हल्का सा ग्रेवी में अच्छे से मसाला लगाया ओह मैन प्याजी और ये मेरे फेवरेट है आई थिंक आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट बर्ना जी एज वेल एज द शेफ अ वंडरफुल जॉब यार मैं मतलब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी किचन में मैंने काम किए इतने शूट किए हैं घर की किचन में से आ रहा है वो भी 30 मिनट के अंदर इट्स वेरी गुड मैं वहाँ से इशारा करी चटनी भी खाऊँ हल्की सी चटनी मैं साइड पर रख रहा हूँ जस्ट टू हैव टेस्ट ऐसे बात नहीं बनेगी ये मैंने चटनी ली मसाला ली और हल्का सा पीस राइट हल्की सी वो मिठास कोशा का मैं से कुछ फालतू ही पैक कराऊँगा दिस इज अ फूड टू लव एनरिच यू फील डिलाइटेड यू एम्ब्रेस सच एन एटमोसफेयर मतलब ऐसा घर में खाना मैंने गर्मा गर्म ना तो मैं आई एम श्योर सुपर्णा जी के बच्चे ना नहीं खराब एनी वे आ जाओ जी आ जाओ ये देखो ये है जी इनका दाब चिंगड़ी
जो पूरे एक नारियल में अच्छे से दिए उन्होंने। मैं मुझे प्लेट चाहिए होगी इसको डालने के लिए स्पून के साथ। ऐसे देख लेते हैं, आ जाओ पास में। ये है जी, अब सोचो अगर आपको ये घर पे मिले और अपने गेस्ट के आप ऐसे रखो, इजंट इट फैसिनेटिंग। आपके गेस्ट पूछेंगे कहाँ से मंगाया, बोलना शॉप का वीडियो देख के मंगाया, मतलब जगह का नाम भी ले लेना। आई एम जस्ट किडिंग ब्रो। पीस हाथ से निकाल लेते हैं यार। गुड थिंग पूरा शेल में है, प्रॉपर शेलफिश। शेलफिश की तरह ही मिली आज। सारे मसाले देख रहे हो, रियल मैजिक है। देखो हल्का शेल तोड़ते हैं, अंदर से पीस निकालते हैं। ये देखो जी, ये कर दिया हमने शेल अलग। बाइट लें इसकी। वैसे जस्ट फॉर नॉलेज, प्रॉन्स माय फेवरेट मीट। लोग समझते हैं मटन है, प्रॉन है। दिस इज डिलाइटफुल। रिव्यू पे भरोसा है, हमेशा कहता हूँ जहाँ खाना पसंद आता है मेरे नाम पे ऑर्डर करो, ना पसंद आए अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड आई सेड विद अ लॉट ऑफ विल, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, इज ओनली बिकॉज व्हेन आई एम गारंटीड विद फूड ना, देन आई गारंटी देने में डर नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100 में से 100 लोगों को टेस्ट बर्ड ये मैच करेंगे, बट हाँ 100 में से अगर 70 कोई पसंद आ गया ना तो मेरा पर्पज सॉल्व हो जाता है। बाकी 30 को शायद कुछ और समझ आ जाए। माई परस्पेक्टिव इज कि हर तरह की दाल हर किसी को पसंद नहीं आती। एनीवे गाइस, उड़ी बॉन्ग जगह नाम है, जितना खाता खाता हूँ बाकी पैक कराता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। आई वॉज जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद मैम एंड आई वॉज टेलिंग हर हाउ हैप्पी आई एम बिकॉज आई डिस्कवर्ड अ फ्यू न्यू थिंग्स दैट आई नेवर ट्राइड बिफोर। तो थैंक यू मैम, सच अ वंडरफुल ट्रीट है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने रिश्तेदार के घर आके खाना खा रहा हूँ। अच्छा, आई लव्ड सर्विंग यू। हाउ सॉरी गाइस, उड़ी बॉन्ग राइट? उड़ी बॉन्ग, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, दैट्स व्हाट दे कॉल देमसेल्व्स। ये गुड़गांव में जगह बनी हुई है, सेक्टर 43। डिस्क्रिप्शन पे लोकेशन डालने की जरूरत नहीं है, एड्रेस भी डालने की जरूरत नहीं है, प्राइसिंग और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। इफ यू ऑर्डर डायरेक्टली कितना परसेंट ऑफ? 20% ऑफ पहले महीने के लिए, और उसके बाद 10-15% ऑफ लाइफ फॉर लाइफ है। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर ऑर्डरिंग डायरेक्टली। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पे अरोरा शोर लिखेंगे एंड फेसबुक पे शोर अरोरा लिखेंगे, वहां भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा। अंटिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय।